बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद, फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ द शऊर फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड अवेयरनेस सैयद अली हमीद साहब, मेंबर नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी मिस्टर मोहम्मद इंकिसार खान साहब, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि मैं इन ऐसी अहम हस्तियों के सामने अपनी गुफ्तगू रख रहा हूं जो पाकिस्तान की तकदीर के हवाले से और यूथ के हवाले से बड़ी जिम्मेदारियां रखते हैं और उसके साथ साथ हमेशा इस सदारती ओहदे पर आने से पहले भी आई हैव लुक्ड अप टू वाइस चांसलर्स एज द लीडर्स ऑफ थॉट प्रोसेसेस इनसाइड द यूनिवर्सिटीज़। और मैं इस बात से भी वाकिफ़ रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एक्सट्रीमिज़म आया वो इतना उसने मुल्क को परेशान किया कि स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर पाबंदी लगी और कुछ समझ में नहीं आया। जो पहला काम हम आसानी से करते हैं वो ये कि पाबंदी लगा दें, सोच पर लगाने की कोशिश करें, सोच से पहले हरकत पर लगाने की कोशिश करें, उन जगहों को बंद कर दें जहाँ से इस बात का इम्कान है कि कोई सख्त बात भी निकल सकती है। इससे नुकसान भी हुआ और मैं आपको ये बताता हूँ, ये है कन्फ्यूजिंग बात, इसमें किसी एक तरफ मेरी राय नहीं है। जब मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के एतबार से शुरुआत से उसमें लगा तो नीयत ये की कि जी स्टूडेंट पॉलिटिक्स, अब लोगों ने मिसाल दी कि जी कायदे आज़म के ज़माने में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो जज्बा चला उसने पाकिस्तान को बनाया और नौजवान जो है वो सियासी जद्दोजहद के अंदर एक बड़ा मस्बत रोल इसलिए प्ले कर सकता है कि उसकी स्टेक्स कम होती हैं। जो एल्डर्स हैं उनकी स्टेक्स होती हैं तो वो बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, तो ये इस जज्बे के तहत पाकिस्तान बना। मगर हमने ये सोचा, हमने कहा कि इस वक्त जब पाकिस्तान बन गया तो तालीम हासिल करना प्रायोरिटी है और तालीम हासिल करना और उसके बाद मुल्क को चलाने के एतबार से सियासी ख्यालात का इजरा करना। फिर एक बड़ी बहस थी जो 70s और 60s के अंदर चली और वो थी लेफ़्ट और राइट की, जिसमें बड़ा पोलराइजेशन सोच में था, मईशत में था, सियासत में था। उस जैसी पोलराइजेशन फिर नहीं रही, तो लिहाजा ये वक्त ये बेहतर रहा कि हमने 8-10 साल बिल्कुल स्टूडेंट पॉलिटिक्स से दूरी रखी। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि जो ज़माना जिस तेज़ी से बदल रहा है, देखिए रूटीन बातें मैं आपसे करूंगा तो आप ख़ुद भी कर चुके होंगे, तो मैं सिर्फ अपनी सोच आपके सामने रखना चाहता हूं जो उसमें शायद कुछ मुख्तलिफ ख्यालात आपको मिल जाएं, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हूं इस कैफियत से जिससे मेरा मुल्क गुज़र रहा है। क्योंकि ये जो तनाव की कैफियत होती है ये सारी प्रोग्रेस को रोक देती है, एक्सीलरेटर पर से पैर हटकर ब्रेक पर लग जाता है और फिर रीअसेंबल करके कोशिश की जाती है कि अब असर नौ लेकर चलें। मगर दुनिया आपका इंतज़ार थोड़ी करेगी कि आपको ये चलो भाई इंटरमिशन आ गया, आपको एक चंद साल की मोहलत मिल गई। दुनिया इंटरमिशन नहीं देती, आप पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल क्लियर कट कैफियत है और उसके आसार नुमाया होने लगे हैं, उसकी वजह से परेशानी। अब ये है कहाँ से, मैं इसको पकड़ना चाहूँ तो मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ और बड़ी मेरी इसके ऊपर खुद परेशानी की वजह से मैंने तलाश बहुत किया। मैंने पिछले दिनों एक किताब का जिक्र किया, थिंक अगेन, तो इंकिसार साहब जब आपका नाम मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि यही सबसे बड़ी चीज़ है जो उस किताब की वजह से, और उसका मजमून भी लिखा और मैंने लोगों को तोहफे में भी भेजा, कि एक जो आप लोग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसका प्रचार करते हैं और वो ये है कि एक इंकिसारी अख्तियार की जाए। उस किताब के दो रूट्स हैं, बस सिर्फ दो रूट्स, अगर आप समझ लेना तो वो जो दुनिया में कैफियत है उसको समझ लेंगे। और क्या, और मैंने पढ़ी इसलिए कि मुझे ये ख्याल हुआ कि मैं अपनी राय में इतना पुख्ता क्यों हूँ कि इन्फॉर्मेशन आती है फिर भी मैं यू टर्न नहीं लेता। यानी मुझे तो ये करना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन आ जाए कि जी आगे सड़क बंद है तो मैं यू टर्न लूँ, इसमें मुझे क्या शर्मिंदगी। तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया कि मेरे बायस इतने पुख्ता क्यों हो जाते हैं, क्या आप लोगों की अच्छी राय के बावजूद जनाब आरिफ अलवी साहब अपनी राय नहीं बदलते। तो उसके अंदर पहली चीज़ थी इंकिसारी इन नॉलेज, कि मुझे मालूम नहीं है, पीरियड। ये आप सिखाते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, ये माशरे के अंदर इसकी कैफियत कम है।
इंक के सारी इन नॉलेज के आदमी को ये हमेशा एहसास रहे कि जी मुझे मालूम नहीं है, मैंने और इसका इल्म हासिल करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये इंक के सारी है कि जी जहाँ तुम पहुँच गए हो वहाँ तुम अपने तीस मार खानी से नहीं पहुँचे हो, हालात, वाक़यात, माहौल, कैफियत, अल्लाह ताला ने रास्ता फराहम किया तो तुम पहुँचे हो। ये जो घमंड मुझको और आपको अगर कभी हो जाए, ये सबसे नुकसानदेह है कि मैं तो अपनी ताकत से यहाँ पहुँचाऊँ, अपनी स्किल से पहुँचाऊँ, अपनी सोच से पहुँचाऊँ, लिहाजा रवैया फिर मेरा ये होता है कि सबकी सोच मुझसे कमज़ोर है। तो इंकसारी दो चीज़ों के अंदर, और लिहाजा फिर अपना रुख बदलना। खैर ये तो इत्तेफाक से आपके नाम से मुझे याद आ गया जनाब कि ये बात ज़रूर रखूँ। मैं आपसे फिर, मैंने क्या तलाश किया, मैंने बहुत दुनिया की तारीख पढ़कर मैंने ये तलाश किया कि ये है क्यों, इंसान ऐसा है मुसलसल क्यों है, जंगे लड़ता है, मरते हैं लोग, उससे सर्वाइव करता है, फिर बड़ी जंग लड़ता है, फिर दूसरी नस्ल आती है वो भी वही काम करती है, कोई किसी से सीखता नहीं है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा जो पहली मरतबा मैंने यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के अंदर शायद 2014 के अंदर मैंने एक तकरीर की जिसमें रॉबिन राफेल और बहुत सारे लोग भी थे स्टेट डिपार्टमेंट के। तो मैंने कहा कि इंसान मजमूआ है चार चीज़ों का, मोहब्बत, नफ़रत, फोबिया और अपने बॉडी केमिकल्स और स्ट्रेस। चार चीज़ें, बॉडी केमिकल्स एंड स्ट्रेस, क्योंकि हार्मोनल कैफियत के अंदर 18 साल का नौजवान उसकी सोच जज्बात के एतबार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये चार कॉम्बिनेशंस हैं जो इंसान में पिछले हज़ारों साल के अंदर, 75,000 साल का इंसान, उसके अंदर ये चार एवोल्यूशनरी इमोशंस आ गए हैं और ये रैशनल थिंकिंग से चेंज नहीं हो सकते। ये रैशनल थिंकिंग अगर हो जाती तो पिछले 400 साल, 500 साल, हज़ार साल में जंगों का इम्कान कम होता। मैं नरेट करूं कि टॉलस्टॉय जब वो नौजवान था तो उसने रशियन वॉर के अंदर गया और उसको ताज्जुब हुआ, उसको ख्याल नहीं था कि वॉर क्या कैफियत है। उसने कहा कि नौजवान आदमी जज्बात में निकल गया। जब वो वॉर में गया तो उसको ताज्जुब हुआ कि एक दिन लोग मारे जा रहे हैं, दूसरे दिन सफ़ेद झंडा लेकर लोग दफनाए जा रहे हैं, सब आपस में बात कर रहे हैं दफनाते हुए, तो तीसरे दिन फिर जंग पर आ गए, फिर मारना शुरू कर दिया। तो ही बिकेम अ नो वॉर प्रोपगेटर कि वॉर ही नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि रेड क्रॉस बना दो और कोई तंजीमें बना दो या जनीवा कन्वेंशन ले आओ कि सिविल अंदाज से वॉर की जाए, दुनिया के कवानीन के एतबार से जंग की जाए। आप और मैं जानते हैं कि सारे अकॉर्ड, सारे कन्वेंशंस ख़त्म कर दिए जाते हैं वॉर के अंदर। जितनी द सुपर पावर्स हैव नॉट फॉलोड दोज कन्वेंशंस, बल्कि कन्वेंशंस के बीच में उन्होंने तलाश किया कि गुआंतानामो बे बनाया जाए, क्योंकि कन्वेंशंस ये इजाज़त नहीं देते कि किसी को, या तो उनको डिस्टेट किया जाए बंदों को। यही कैफियत प्रेशर के अंदर इंसान बदलता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ मोहब्बत कहाँ से सीखी आपने, मोहब्बत किताबों से सीखी। मतलब ये मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो आप यहाँ पर तजिया करेंगे और जो निकालेंगे उसका फिर क्या करेंगे। क्या आपने मोहब्बत किताबों से सीखी, अपनी माँ से सीखी होगी, अपने भाइयों से, अपने बुज़ुर्गों से सीखी होगी। तो ये सारे इमोशंस पर असरअंदाज करने के लिए कोई ट्रीटी नहीं चाहिए मुझे, कोई एकेडमिक्स नहीं चाहिए। एकेडमिक्स के ज़रिए आप रास्ता तलाश कर सकते हैं कि ये किया जाए, मगर मेरे ऊपर असर करने के लिए आपको मुझको दिखाना पड़ेगा। मेरी माँ की मोहब्बत माँ ने दिखाई होगी, माँ को खुद एहसास हुआ होगा, माँ के अपने जज्बात मोहब्बत के होंगे। इसी तरह से नफ़रत भी मैंने कहीं देखी होगी ना, अपने आप ही कहीं से निकल कर आ गई और उस पर क्या रिएक्शंस होते हैं। मुझे याद है मेरे वालिद साहब बहुत गुस्से में आया करते थे और मुझे अंदाज़ा था कि गुस्से से चीज़ें भी ख़राब होती हैं, दूसरों के ऊपर असर मुख्तलिफ पड़ते हैं, इम्पैक्ट दूसरा होता है। फोबिया ये एक इंसान की फितरत में है कि जो चीज़ नहीं देखी उसमें साजिश हो रही है। हुजूर अकरम सर कुरान के अंदर फेक न्यूज़ के ऊपर एक आयत है जिसके अंदर ये कहा गया कि तुम तहकीक कर लिया करो, और मैं पार्लियामेंट में 2 साल मैंने उस आयत की तिलावत खुद भी की कि ये फेक न्यूज़ एक नया अजदहा बड़ी मैग्नीट्यूड के साथ बढ़कर आया है। पहले भी थी फेक न्यूज़, अब भी है फेक न्यूज़। एंड लेट मी टेल यू, वाइस चांसलर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जनाब,
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडीज़ हैव शोन, और अगर आपको स्टडीज़ देखनी है तो साइंटिफिक अमेरिकन एक डेढ़ साल पुराना, उसमें भी देखिए कि सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल जो फेक न्यूज़ के लिए है वो एक एज ग्रुप है 14 से 18 तक, जिसके अंदर कुछ लोग आपके पास आ जाएंगे और कुछ लोग सीनियर स्कूल्स में होंगे। दैट्स द मोस्ट ससेप्टेबल टाइम, जब आदमी अपनी सोच बनाता है, जिसके अंदर वो स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाता है कि कुछ एक्सट्रीम्स पर जाएंगे, कुछ साजिशों में बिलीव करेंगे, जो हमेशा साजिशों में बिलीव करते हैं, कुछ शिज़ोफ्रेनिक टाइप के लोग होंगे बाहर सूरत, बट दैट इज़ द टाइम। तो दुनिया ने अब उसका मुकाबला शुरू कर दिया है। आप यू आर अंडर फेक न्यूज़, यू आर बींग अफेक्टेड बाई फेक न्यूज़। दुनिया ने उसका मुकाबला करना शुरू कर दिया है कि ये नया टूल है, इसके मुज़र असरात का मुकाबला किया जाए। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। मैं आपसे ये कह रहा था कि आखिर में आप लोग, मैं मेरी तकरीर का आखिर नहीं है, अभी तो मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आखिर में आप लोगों ने डूएबल्स पकड़ने हैं। अच्छा, डूएबल्स एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर के अंदर डूएबल्स बड़े अच्छे होते हैं। यहाँ सैकड़ों थिंक टैंक्स हैं पाकिस्तान में, बड़ा अच्छा लिखते हैं, बड़ा अच्छा, मगर करने वाला जैसे नैकटा एक इदारा है, करने वाला डूएबल्स, टाइम रिलेटेड डूएबल्स, और आपका प्रचार चीज़ों का। देखें, नए टूल्स दुनिया के आप लोग वाकिफ नहीं हैं, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। लेट मी टेल यू, आई एम कंटिन्यूसली बींग इम्प्रेस। परसों तरसों मैंने एक किताब में पढ़ा, मो गौदात की है, स्केरी स्मार्ट। उसमें मुझे नहीं अंदाजा था, आपको नहीं अंदाजा था, उन्होंने कहा कि 2009 से गूगल ये करता है, दिस इज मार्केटिंग है, एंड वी डोंट नो व्हाट हैपेंस। गूगल ये करता है कि एक औरत, उसको गाड़ी का शौक़ हुआ, उसने गाड़ियाँ देखनी शुरू की वेब पर, और उसने कहा एक ऑडी उसको पसंद आई, फिर उसने ब्लू ऑडी देखी। अच्छा, उसने ये सारा काम किया और गूगल रियलाइज्ड कि ये इन्फॉर्मेशन अगर ऑडी को मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो नॉट इवन विद इन सेकेंड्स एन एडवर्टिजमेंट वॉज मेड फॉर हर। 2009 से हो रहा है, नई बात नहीं है, 2009 से हो रहा है कि एन एडवर्टिजमेंट वॉज मेड फॉर हर ऑफ अ ब्लू आउडी, जिसके अंदर एक प्रोफेशनल औरत बैठ रही है, और उसके खरीदने वालों के लिए और लोन देने वालों के लिए सारी चीज़ें विद इन मिलियंस ऑफ अ सेकेंड। दिस हैपन्ड विदाउट इन पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। और वो $50 का इन्फॉर्मेशन गूगल उसने बेची ऑडी को, और ऑडी ने एक एड विद इन मिलियंस ऑफ सेकेंड्स तैयार करके फ्लोट कर दिया। दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। आप सोचेंगे, आप करेंगे, आपको सालों लगेंगे, दिस इज नॉट द वर्ल्ड ऑफ टुमारो। तो लिहाजा मैं आपके सामने एक ये बात भी रखना चाहता था। अब मैं आ जाऊँ इसके ऊपर। अच्छा, और फिर मैं आपको ये भी बताऊँ ना, मैंने मौलाना अबुल आला मौदूदी की तफहीमात तनकीहात पढ़ी होगी 60s के अंदर, उसके अंदर एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी याद रही आज तक। उन्होंने एक मिसाल दी कि अगर कोई चीज़ है इंसान अपने किरदार के अंदर अपनाए, या उसको मिसाल के तौर पर सर्दी लग रही है, तो अगर लिहाफ 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 कहता रहे तो उसकी सर्दी तो दूर नहीं होगी, जब तक वो लिहाफ ओढ़ेगा नहीं। तो लिहाजा वट एवर यू डू, अनलेस इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एंड अनलेस इट इज़ कम्युनिकेटेड इन स्टाइल एंड अनलेस इट अफेक्ट्स पीपल, नॉट ओनली कम्युनिकेशन पर आपका काम नहीं ख़त्म होता, लोग उसको रिहैश करते हैं, देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन से फ़ायदा नहीं हुआ, इससे कुछ लोगों पर असर हुआ, इससे कुछ लोगों पर असर हुआ, इससे कुछ लोगों पर असर हुआ, तो आप रिहैश करते हैं कम्युनिकेशन। और फिर हज़रत मूसा की दुआ, रब इशराली सदरी के मेरा सीना खोले इन्फॉर्मेशन के लिए, जो मैंने आपसे कहा इनके सारी, वयस्सिरली अमरी मेरे काम आसान कर दे, वहदुल उद्दतुम मिन लिसानी के मेरी कम्युनिकेशन को बेहतर कर दे, वयफ़क़हु क़ौली के मेरी जो मैं कहूँ वो लोगों की समझ में आए। तो यू सी दिस होल आयत इज़ व्हाट यू हैव टू डू, एंड फास्टर देन एनी अदर नेशन इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपको ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, आपकी तकलीफ सबसे ज़्यादा है, आपकी होप सबसे ज़्यादा थी। आपने जब पाकिस्तान बनाया था तो किन ख्वाबों के तहत बनाया था, तो लिहाजा सबसे ज़्यादा तकलीफ आपकी। यू आर द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड एंड सल्किंग इन ऑल
सारे इशारियों के अंदर हम सल्क कर रहे हैं, 140 145 अगर दुनिया में औरतों का मुकाम है तो हम अफगानिस्तान से ऊपर हैं। खैर, लेट मी नॉट गो ऑन दैट। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कितने सारे बैठे हुए हैं। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को हुजूर वाला पिछले दिनों ये कहा कि बहुत सारी वो बारीकियां तलाश कर रहे थे वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट्स में और कामों के अंदर, तो मैंने उनसे कहा तुम्हारे पास बहुत लोग होंगे क्योंकि तुम यूनिवर्सिटीज़ की इतनी जाँच पड़ताल कर रहे हो, मगर 2,70,00,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। मेरा बस चले तो मैं कहूं कि यूनिवर्सिटी वाले पढ़े लिखे लोग हैं, ये चलाओ भाई, इनको कहूं 5 साल का ठेका, यू रन इट द वे यू वांट टू बिकॉज यू आर एक्सपर्ट्स। लेट मी फोकस ऑन 2,70,00,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल। दैट इज नेशनल प्रायोरिटीज पिक करना इंसानों के लिए। तो मैं कहता हूं कि यही इसी एतबार से प्रायोरिटीज पिक की जाए। अच्छा जी, मैं अब आपसे कहता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ एक हाइब्रिड वॉरफेयर भी हो रही है। लेट्स कमिंग टू टेररिज्म बाय इटसेल्फ, उसके अंदर इस हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर हम खुद भी अपने खिलाफ कर रहे हैं। हमेशा कभी कभी ये होता है कि हम ये सोच लें कि बाहर वाले कर रहे हैं, हम खुद भी कर रहे हैं अपने खिलाफ भी हाइब्रिड वॉरफेयर। उसके अंदर डिस्ट्रस्ट विद इंस्टीट्यूशन एंड अमंग इंस्टीट्यूशन, जब आपको भरोसा नहीं है इंसाफ पर तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि मैं ज़बरदस्ती कर लूँ। यानी आपको भरोसा नहीं है इंसाफ पर, तो अगर घर पर किसी ने कब्जा किया हुआ है तो आप कोशिश करेंगे कि अपने किसी को पकड़ेंगे, कहेंगे 50,000 रुपये लो, बंदूकें लेकर आओ, घर खाली कराओ, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है इंस्टीट्यूशन पर। अगर पुलिस वाला पकड़ कर ले जाएगा और आपको भरोसा नहीं है कि अंदर क्या होगा, तो आप वायलेंस करेंगे उससे बचने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो डिस्ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन। अच्छा, ये सिर्फ एक तरफ की सोच नहीं, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ। यानी अगर डिस्ट्रस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन है तो रिस्पांसिबिलिटी लोगों की भी है और इंस्टीट्यूशन को भी है कि वो डिस्ट्रस्ट कम करें। मगर पिछले दिनों आपने क्या देखा होगा, आपने ये देखा होगा कि कहाँ मैं कह रहा हूँ लोगों से कि लाकानूनियत मत करो। एज सदर पाकिस्तान, मेरी स्पिरिट के अंदर, मेरे आइन के अंदर, मेरी जबान के अंदर और मेरी लिखाई के अंदर ये मेरी बुनियाद होगी कि लाकानूनियत मत करो। बट एट द सेम टाइम जब इधर उधर देखूं तो सारे इंस्टीट्यूशंस लाकानूनियत कर रहे हैं। इमेजिन दैट, व्हाट एम आई टीचिंग द चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान? नॉट, जैसे माँ की मोहब्बत थ्योरी से नहीं आती, माँ की मोहब्बत प्रैक्टिस से आती है। जब वो खुद महसूस करेगा, जब खुद सूंघेगा, माँ की खुशबू आएगी उसके, जब अच्छे प्यार के साथ माँ की खुशबू आएगी तो ज़िंदगी भर याद रखेगा है? और वो याद नहीं रखेगा मगर उसके असरात याद रहेंगे उसको, और उसके मिजाज के अंदर वो कैफियतें बनेंगी। दूसरे, मैं आपसे कह रहा था कि जो हाइब्रिड वॉरफेयर हम कर रहे हैं, इट्स डिफेमिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस आल्सो वी आर डूइंग। मिसाल के तौर पर हमने डिफेमिंग अच्छे स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन, 4-5 इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जुडिशरी है, हमारी पार्लियामेंट है, हमारी गवर्नेंस है, हमने सब ने एक दूसरे को डिफेम किया। तो डिफेमिंग इज ऑल्सो परमानेंट डैमेज। मैं कई जगहों पर यह कह चुका हूँ कि जितना आप स्ट्रेस लगाएंगे, इंसान टूटता है, इंस्टीट्यूशंस भी टूटते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ स्ट्रेस। कौन है इतना ताकतवर कि जुल्म बर्दाश्त करेगा, टॉर्चर बर्दाश्त करेगा? नई नई टेक्निक्स आ गई हैं टॉर्चर की, जो गुआंतानामो बे में इस्तेमाल हुई, और पता ही चला कि उसके अंदर लोग फॉल्स एडमिशन करते हैं फिर चीज़ों का। वाटर टॉर्चर जो था उसके अंदर फॉल्स एडमिशन करते हैं। तीसरे, मैं आपसे कह रहा था कि सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर जब डिसहारमनी हो, जब डिस्कॉर्ड हो सब चीज़ों के अंदर, जब मईशत ख़राब हो, उम्मीद ना रहे, महंगाई कमर तोड़ रही हो, तो उसके असरात क्या मुरतब होंगे? क्यों मैं कानून की पाबंदी करता रहूं, क्योंकि मैंने आईन पर हलफ उठाया है। इमेजिन द मैस्लोज पिरामिड, द पर्सन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड ऑलमोस्ट डजंट नो कि देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। उसको ये नहीं मालूम कि क्या कानून की मैंने पाबंदी करनी है, उसको सिर्फ ये ख्याल है कि मेरे पेट में कुछ नहीं। और आजकल ये कैफियत है बहुत, यू कैन क्लोज योर आइज ऑन इट बट यू कैन नॉट इमेजिन, आई कैन नॉट इमेजिन द मिजरी ऑफ द पीपल। तो एक मैं आपसे ये कह रहा था कि मईशत होप देती है, वो होप जब निकलने लगे, तो ये मल्टी फैक्टोरियल कैफियत है। आप दहशतगर्दी को आखिर में अगर सिर्फ पकड़ेंगे, एक्सट्रीमिज्म को, तो एक ही रास्ता आपके पास रहेगा कि डंडे से इसको रोक लो, ठीक है ना? आपकी कोशिश तो इससे हट कर है ना,
आपकी कोशिश उन सारे अवामिल को समझने की कोशिश है कि आप सब चीज़ों को समझें फिर इस मामले को टच करें। और मेरी इसमें काम बहुत पुराना है क्योंकि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी शुरू हुई तो इसके अवामिल को मैंने बड़ी किताबें पढ़ी, रॉबर्ट पेप फॉर एग्जांपल, उसने, मैं आपको जिक्र भी कर दूंगा कौन सी किताबों, उसने लिखा कि दहशतगर्दी के अवामिल के अंदर मज़हब को जो तुम ब्लेम कर रहे हो सिर्फ, तो मज़हब इज़ नॉट द इशू। उसने 9/11 के परपेट्रेटर्स की बात की कि जी सम ऑफ देम वर अल्कोहल ड्रिंकर्स, सम ऑफ देम वर वुमनाइजर्स, मज़हब इज़ नॉट द ओनली इशू। क्योंकि श्रीलंका में सुसाइड बॉम्बिंग हुई, जापानीज़ अपने कल्चर अपने मज़हब में हराकरी करते थे, तो ये मज़हब इज़ नॉट द इशू, इट इज़ लैंड, इट इज़ डिप्रिवेशन, इट इज़ डिसलॉजमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द लैंड, इट इज़ डिसलॉजमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम होप, एंड एट द सेम टाइम एक यूटोपिया अगर सेल कर दिया जाए उनको, तो यूटोपिया हासिल करने के लिए एक्सट्रीम मेजर्स फॉर एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स, ये एक मंतिक फिर समझाई जाती है। तो खैर, मैं आपसे कह रहा था कि फिर ये क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म करती है चीज़ इनटू लॉलेसनेस। इसमें क्रिमिनल गैंग्स भी फिर यानी वर्टिकल मुख्तलिफ जगहों पर घूमते रहते हैं, फिर यानी क्रिमिनल गैंग्स go into ethnic gangs, ethnic gangs go into all kinds of areas. तो sectarian strife हो, criminal gangs जो bottom पर हैं, जो हथियार supply करेंगे, जो करेंगे, जो कत्ल करेंगे, उसमें सब involved होंगे। इसके साथ साथ छठा incident global politics का है, जो frustration दुनिया इस्लाम के अंदर हुई, वो frustration आप जानते हैं। मेरा ख्याल है United Nations जब बनी, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा बाद में आऊँगा, जब United Nations बनी तो ये बात तय हुई या अंडरस्टूड बिटवीन द लाइंस, हम जैसे मासूम लोग जो 1947 में आज़ाद हुए, हम अपना मुकदमा लेकर, हम इंडिया ले गया तो हमने ट्रस्ट किया यूनाइटेड नेशंस को, हम वहाँ चले गए, हमें अंदाज़ा नहीं रहा कि इट इज़ अ वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप प्राइमरली विद द मकसद कि यूरोप के अंदर जंग ना हो, बाकी जहाँ मर्जी आए जो मर्जी आए करते रहो। एंड यू लुक एट द नेक्स्ट 75 ईयर्स द वॉर्स हैव बीन एवरीवेयर एक्सेप्ट यूक्रेन, एक्सेप्ट सर्बिया, दो जगह पर जहाँ पर एथनिक क्लिनसिंग होती गई तमाशा देखते रहे, मगर बाकी जगहों पर फिलिपाइंस, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडिया पाकिस्तान कश्मीर वाला मामला, फिर सारे अफ्रीका के अंदर जो वॉर्स होती रही है ना, लाखों करोड़ों लोग मर गए उसके अंदर, मगर यूनाइटेड नेशंस बनी थी एज अ रिएक्शन टू द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। खैर, मैं आपसे कहता कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को मत छोड़ें। रॉबर्ट पेप की जो किताब मैंने लिखी वो डाइंग टू विन, और दूसरी कटिंग द फ्यूज, और ये इसने डेविड सिंक्लेयर के साथ मिलकर लिखी, और बड़ी अच्छी किताब है। उसके अंदर वो स्टेटिस्टिक्स से जस्टिफाई करता है, बताता है कि व्हाट आर द रियल मूवर्स टुवर्ड्स टेररिज्म, उसको समझें, और रियल मूवर्स ऑफ टेररिज्म, रियल इश्यूज पाकिस्तान में एग्जिस्ट करने लगे हैं, तो कभी कोई इंसर्जेंसी, अच्छा, और बाहर का मुल्क तो तैयार बैठा है ना, इट नीड्स केरोसिन टू इग्नाइट, है वो केरोसिन, फ्रस्ट्रेशन का केरोसिन पाकिस्तान में अगर मौजूद हो, तो आपने हमेशा देखा मुजीबुर रहमान के साथ वो फ्रस्ट्रेशन जो हम हैंडल कर सकते थे बिटवीन 1948 एंड 1968, वो फ्रस्ट्रेशन जब नहीं हैंडल किया तो इंडिया प्लेड अ पार्ट, मुजीबुर रहमान बिकेम अ ट्रेटर टू पाकिस्तान। तो If you don't handle the child or the person at the right time, तो नतीजा ये है कि things get worse. फिलहाल you are creating a situation where things can get worse. अच्छा जी, मैं आपको ये बता रहा था कि फिर क्या क्या होता है, आपको ताज्जुब होगा चंद बातें सुनकर, कि हिस्ट्री तो जीतने वालों की लिखी जाती है ना। वर्ल्ड वॉर वन के अंदर जर्मनी के ऊपर एक कंपनसेशन लागू किया गया वॉर का, जो आजकल के हालात के एतबार से इट कम्स टू अबाउट $270 बिलियन, जर्मनी ने पहली जंग अजीम का कंपनसेशन देना था, और आपको ताज्जुब होगा सुनकर कि उसका लास्ट पेमेंट October 3, 2010 तक हुआ है, लास्ट पेमेंट कंपनसेशन फॉर अ वॉर। अब आप इमेजिन कीजिए, जो अगर इस वक्त इंसाफ होता तो जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के हवाले से जो मुसलमानों पर गुजरी है ऑन अ फेक न्यूज, उसकी कंपनसेशन क्या होगी जो शाम में गुजरी। और मैं सिर्फ ये ऐड कर दूं कि जो लोग सोच कर पलटा खाते हैं दे आर लीडर्स,
नाइफ. लेट मी मेंशन यू, मोहम्मद बिन सलमान साहब इज ज़ायनिस. इतनी सेक्टेरियन स्ट्राइफ इन द एंड अरब एंड नॉन अरब वर्ल्ड, शिया सुन्नी वाला मामला जो बढ़ा उनके दौर में बढ़ा, बट वंस ही रियलाइज के ही हैज़ टू टेक अ टर्न, ही टुक अ टर्न. तो इसका मतलब आप आगे जाकर, ये बड़ी इंटेलिजेंस और लीडरशिप की बात है कि यू थिंक अगेन एंड टेक अ टर्न, दैट यू मे नॉट ऑलवेज बी राइट. ये आदमी को इनके सारी इसमें ज़रूरी है कि उसको रियलाइजेशन हो कि आई एम नॉट राइट, आई मे नॉट बी राइट. तो इसकी ज़िद जो है उसको दूर किया जाए. खैर, मैंने एक किताब का आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि जिसके अंदर इस जंग और टेररिज्म के हवाले से इंसानी फितरत और उसके सॉल्यूशंस का काफ़ी जिक्र है. वो स्टीफन पिंकर की है, उसने बेटर एंजल्स ऑफ आर नेचर. अच्छा, उसका मैंने क्यों पढ़ा, क्योंकि मैं इतना लंबा अपनी गुफ्तगू के अंदर रखता था कि जी इंसानों का क़िताल कितना बढ़ गया, 5 करोड़ लोग पहली जंग अजीम में, 10 करोड़ लोग, 5-10 करोड़ लोग दूसरी जंग अजीम में, फिर फिलिपाइन में, फिर ये सारी गिनती मेरे पास इतनी लंबी थी. तो स्टीफन, किसी ने कहा स्टीफन पिंकर को भी देखो, तो मैं स्टीफन पिंकर को कहा, उसने कहा जी अब तो क़िताल बहुत कम हो गया. और उसका आर्गूमेंट ये था कि हज़रत आदम, बीबी हवा, हाबील और काबील, 4 लोग अल्लाह मियाँ ने सबसे पहले पैदा किए, उसमें से एक ने एक का कत्ल कर दिया, 25% ह्यूमैनिटी वॉज वाइप्ड आउट. तो स्टेटिस्टिकली अब जो कोई ऐसी कैफियत नहीं हुई कि 25% ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाए. तो स्टीफन पिंकर आइडेंटिफाई करता है 6 अमन की ताकतें इस दुनिया में इस वक्त. एक तो इंस्टीट्यूशंस, जिसका लेवियाथन, जेम्स हॉब्स ने लिखी एक किताब जिसके मुतालिक वाई डू इंस्टीट्यूशंस फेल, वाई द नेशंस फेल, ये है डैरेन एसीमोग्लू की और एक और ऑथर है उसकी किताब. तो ये लेवियाथन ये है कि स्टेट, और उन्होंने ये लिखा कि ये स्टेट जो है ना, ये बड़ी जाबिर भी हो सकती है और बड़ी आज़ाद भी हो सकती है. बहुत जाबिर होगी तो डिक्टेटरशिप बन जाती है, और बहुत आज़ाद होगी तो एनार्की होगी. तो ये जो बैलेंस है जबर में और एनार्की के अंदर, ये बैलेंस समटाइम्स स्टेट्स लूज. दे आर मोर इंक्लाइंड, स्टेट एज एन इंस्टीट्यूशन इज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स जबर. जो मैं आपसे कह रहा था ना कि अब दहशतगर्दी को बस डंडे से इसको हैंडल करना है. तो उसने कहा एक तो ये है स्टेट. दूसरे फिर एक आपको याद होगा, मैं इसमें उसी हवाले से गुफ्तगू करूँ कि 100 साल की जंग हुई यूरोप में, 70 साल की जंग हुई, 30 साल की जंग हुई, उसके बाद यूरोप ने बैठकर ये डिसाइड किया. वेस्टफेलियन ट्रीटीज हुई जिसके अंदर ये कहा गया कि हथियार सिर्फ स्टेट के पास होगा और एक स्टेट दूसरी स्टेट के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी. ये 1648 के अंदर 2-3 ट्रीटीज़ वेस्टफेलिया में साइन हुई जिनका मकसद ये था, और इसकी बुनियाद पर नेचर नेशन स्टेट्स का जो मामला है वो बना. दूसरी चीज़ जो उसने पॉजिटिविटी कही है वो इंस्टीट्यूशंस के साथ, वो कहता है कॉमर्स, तिजारत. यानी इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ के अंदर मुझसे लोग मुसलसल ये कहते हैं कि तिजारत खोलें क्योंकि बेरोज़गारी है. अच्छा, ईरान के साथ एक इशू ये है कि तिजारत खोलने के हवाले से बार्टर ट्रेड कर सकते हैं मगर कुछ बंदिशें भी हैं. अच्छा, और अफगानिस्तान के साथ जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं जहाँ पे अब बाज़ार खोले जा रहे हैं बॉर्डर एरियाज़ के अंदर, इस बात का इम्कान है कि इन्फिल्ट्रेशन भी हो. तो ये इन वजूहात की वजह से मामला स्लो है, मगर दीज तिजारत इन दोज एरियाज़ जहाँ पर हमें दहशतगर्दी का खौफ है वहाँ पर तिजारत विल चेंज द माइंडसेट, क्योंकि रोज़ी तो होगी ना. उसके बाद तीसरी बात यह है जिसको आप लोग तैयार नहीं हैं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ माशाल्लाह 15 ख़वातीन बैठी हैं मगर कौम बहसित कौम तैयार नहीं है कि औरतों को मुकाम दें. कायदे आज़म कहते कहते चले गए कि जब तक फुल इन्वॉल्वमेंट नहीं करोगे नहीं होगा. जेंडर पैरिटी के अंदर आप कहाँ हैं, हर चीज़ में, पढ़ाई लिखाई, ओहदों पर, हरासमेंट में, आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दैट. तो तीसरी चीज़ उसने कहा जैसे जैसे फेमिनाइजेशन यानी जेंडर इक्वालिटी के एतबार से औरत माशरे में आती है और डिसीशन मेकिंग करती है, तो औरत, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा ना कि इंसानी फितरत के अंदर औरत के अंदर वो हॉर्मोन्स और वो जज्बात एवोल्यूशनली आ गए जिसके अंदर लड़ाई दंगे फसाद का इम्कान कम है. आई कैन गिव यू इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स, दैट डजेंट रियली मैटर, बट जनरली इट इज़ बिलीव्ड. आपको मालूम है कर्जा औरत को दिया जाता है,
जो स्मॉल लोन्स दिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा औरत वापस करेगी, हैं, औरत को इस बात का ख्याल होगा, तो लिहाजा औरत का होना। फिर कॉस्मोपॉलिटिज्म के दुनिया करीब आ गई है, सब जो जुल्म एक तरफ होता है वो दूसरी तरफ भी होता है। उसने कहा ये छह हिस्टोरिकल इम्पेरेटिव्स हैं जो आर ड्राइविंग टूवर्ड्स रैशनलिज्म, और पांचवा उसने कहा एस्केलेटर ऑफ रीज़न, कि रीज़न कभी कभी मदद करता है कि ये मामला हो जाए। और फिर ह्यूमन राइट्स का रेवोल्यूशन, दुनिया को फिक्र रहती है, इंसान को फिक्र रहती है कि ह्यूमन राइट्स पामाल ना हो। अच्छा, पिंकर फिर छह डीमंस का इजहार करता है कि ये वो खराबियां हैं जो इंसानियत को खा रही हैं, उनसे ख़तरा है। एक तो प्रीडेटरी कैफियत, ये आइडेंटिटीज़ के अंदर भी आती है कि चार पांच आइडेंटिटीज़ हैं, प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी के, हम कहाँ से आए, हमारी क्या नस्ल है, और उसी के अंदर एक प्रीडेटरी आइडेंटिटी है कि प्रैक्टिकल वायलेंस के ज़रिए मसाइल को हल किया जाए। अच्छा, ये माफियाज़ के अंदर राइज चलती है, ये गैंग्स के अंदर चलती है, ये ग्रुप्स के अंदर चलती है, तो ये डीमन है प्रीडेटरी, एज अ डिप्लॉयड एज अ मीन्स टू एन एंड, यानी वायलेंस अलोन एज अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, नो टॉक्स नो डिस्कशंस, वायलेंस अलोन, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि टू डोमिनेट अ सोसाइटी, अ ग्रुप, एन एंटिटी, डोमिनेंस की बात। तीसरा डीमन जो उसने कहा वो बदला है, रिवेंज। वाह वाह, कितनी बड़ी बात है उसने कही, और मैं आपको बताता हूँ कैसे। यानी ये मॉरलिस्टिक अर्ज एक तो होती है कि रेट्रीब्यूशन हो, इंसाफ हो, रिवेंज उससे ज़्यादा खतरनाक है। यानी रिवेंज वो है कि जो बड़े बड़े उसको सह नहीं सकते कि ना करें, जब ताकत, रिवेंज किसके कौन को लेता है, जिसके हाथ में ताकत हो। अच्छा, इसको कर्व करना, तो हज़रत अली का वो मशहूर वाक़या कि ही वॉज़ फाइटिंग एंड ही वॉज अबाउट टू किल समबडी, तो आदमी ने थूका तो उसने कहा नहीं अब रिवेंज में मारूंगा, एंड ही स्टॉप। ये इतने ग्रेट एग्जाम्पल्स हैं। और फिर हज़रत अबू बकर का वाक़या कल परसों मुझे याद आया कि वो उस ज़माने में ऊँट आए और ऊँटों का डिस्ट्रीब्यूशन करना था, और उन्होंने वहाँ उस ज़माने में वेयर हाउसिंग नहीं होती थी, बैंक नहीं होते थे, पैसा रोक लिया जाए, 5-6 लाख दिरहम भी आते थे कुवैत से आए, बीबी आयशा ने एक ही दिन में सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो वो इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन भी होता था जो चीज़ आ जाए। तो उन्होंने कहा कि ये जो ऊँट आए हैं इनको मैं आज ही डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, मगर तुम लोग मेरे साथ मत चलना, मैं खुद निकलूँगा, खुद घरों में जाऊँगा, जहाँ देखूँगा देना है वहाँ दूँगा। एक आदमी साथ साथ चलता रहा, एंड ही गॉट इरिटेटेड एट वन पॉइंट इन टाइम, और उन्होंने, उनके हाथ में ऊँट की नकील थी, उन्होंने जो घुमाई तो उसको लग गई। खैर, दूसरे दिन वो दरबार में आ गया और उसने कहा कि जी मुझे तो बदला चाहिए। तो हज़रत उमर ने और हज़रत अबू बकर ने खुद ये फ़ैसला किया कि मैंने तुमको इससे मारा था, तुम इससे मुझे मार लो। हज़रत उमर को ख्याल हुआ कि खलीफा को कोई मारे तो सेठ, तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कराया, बट द स्पिरिट इज़ टू रिमेन विद इन द लॉ। अच्छा, उसके अंदर मैं आपके सामने एक चीज़ डालूंगा, मगर वो दैट इज़ अ नॉर्मल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, के प्रोपोर्शनैलिटी इन रिएक्शन। यानी आप इसराइल पर क्यों इतराज़ करते हैं, एक रॉकेट गया इधर से, कोई मरा नहीं, उन्होंने 4 आदमी मार दिए, एक आदमी मर गया, उन्होंने 20 लोग मार दिए, तो ये प्रोपोर्शनलिटी ऑफ रिएक्शन है। इसको जब इंसाफ छोड़ेगा तो वो जुल्म का साइकिल शुरू करेगा, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी ऑफ रिएक्शन है, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जिसका मैंने ईद के अंदर भी पैगाम दिया और मुसलसल देता हूँ, वो दरगुजर है। इफ़ यू फॉरगिव देन द सोसाइटी बिकम्स पीसफुल। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉरगिवनेस और दरगुजर की सबसे बड़ी मिसाल के अपने कत्ल माफ़ किए, ज़िंदगी भर फॉरगिव करते रहे। और मेरा कहना यह है कि आप सब लोग और मैं अल्लाह के यहाँ दरगुजर मांगते हैं उससे कि माफ़ कर दें, और आपस में हम किसी को फॉरगिव नहीं करने को तैयार। जिसने हमारे साथ कुछ कर दिया तो वो हम पाले रखते हैं, और मौका मिलता है तो ज़बान से, या अगर कोई हरकत कर सकते हो तो करें। तो ये उसने 4 डीमंस का आइडेंटिफिकेशन किया, और 4 उसने कहा फरिश्ते हैं इंसान की फितरत में जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें एक है एम्पथी, यानी एम्पथी से मुराद यही कि किसी के साथ कोई तकलीफ हो तो मुझे एहसास भी हो, किसी को भूख हो तो मुझे रोज़े के अंदर एहसास भी हो, किसी के साथ कुछ गुजर रहा हो तो मुझे इसका एहसास हो कि इसके साथ क्या बीती होगी। जब एम्पथी होगी तो मैं माशरे को तब्दील करने की कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो, ठीक है जी। दूसरा है सेल्फ कंट्रोल,
कि कहीं आप रुक जाएं, हैं, चलते ना चले जाएं, कहीं आप रुक जाएं। तीसरी है अकदार, मोरालिटी। अब ये मोरालिटी, ये और ये कहाँ से चलेगी? ये चलेगी घरों से भी, सिर्फ आपके यहाँ आकर नहीं, यानी यूनिवर्सिटी से पहले घरों में चलेगी मोरालिटी। ये जो मैंने स्ट्रेस का जिक्र किया, आपको स्टेटिस्टिक्स बता दूं कि इसका मिक्स आपके साथ नैक्टा के साथ और इन चीज़ों के साथ कितना बड़ा है। रोज़ाना की खबरों में आप पढ़ें तो बाप ने बच्चों को मार दिया और पता चला कि जनाब ही वॉज बहुत दिनों से परेशान भी था, रोज़ी से परेशान था, इससे परेशान था। तो एवरी डे यू सी दीज वॉल्केनोज बर्स्टिंग, बट यू दीज आर जस्ट द टिप्स ऑफ द वॉल्केनोज, है ना, विच आर बर्स्टिंग। तो स्ट्रेस इस वक्त माशरे में 24% है, एक साल पहले 24% स्ट्रेस। इसमें से कितने लोग किधर जाएंगे और साइकियाट्रिस्ट कितने? 550। तो मैं तो इस नतीजे पहुंचा, एक तो मैं कोशिश कर रहा था कि एआई और चैटबॉट के ज़रिए इन चीज़ों को हैंडल किया जाए, दूसरे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए फिर मैं इस नतीजे पहुंचा कि घर के अंदर जो हमारा जॉइंट फैमिली थी, जिसके अंदर सेल्फिशनेस कम थी और एक्सचेंज ज़्यादा था, जो मगरिब के अंदर ग्रुप थेरेपी के एतबार से हैंडल होता है। तो मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ के एतबार से भी मैं कहता हूँ कि दीज डिस्कशंस अमंग स्टूडेंट्स इज़ लाइक अ ग्रुप थेरेपी, एनकरेज दीज थिंग्स टू हैपन, ताकि स्ट्रेस लेवल्स कम हो। और आपको ये भी बता दूँ कि द बिगेस्ट स्ट्रेस लेवल, यू प्रॉब्ली, ये रिपोर्ट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की और प्लीज़ गो थ्रू इट, अगस्त 2022 की है। उसके अंदर 24% स्ट्रेस इन नॉर्मल इन सोसाइटी, और आपके घरों में कितना है? घरों से मुराद आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में 60-80% पीपल आर अंडर स्ट्रेस एज स्टूडेंट्स, एंड यू मिक्स एंड मैच विच योर प्रपोजल्स नाउ। यानी ऐसी क्या कैफियत है कि हमने इल्म के खातिर, एक तो इल्म देते नहीं हम, स्कूलों में नहीं भेजते, फिर जब इल्म देने की नौबत आती है तो हम इतना उनको वाइंड करते हैं कि वो चाबी जो है उनकी उतरती नहीं, वो सारी उम्र वैसे ही भागते रहते हैं। यू क्रिएटिंग स्ट्रेस इन सोसाइटी। खैर, ये आपका अंदाज़ है कि आप इसको कैसे हैंडल करें, है? तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आखिर में मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि एक टेरर ट्रेल है। आप कहते हैं कि चेन की लिंक्स होती हैं, तो हर लिंक पर आप एड्रेस कर सकते हैं उस चेन को, हर लिंक पर। तो मुझे बैठे बैठे कोई 12 लिंक्स ख्याल आए, मैंने लिख लिया आपके लिए, आपके नज़रों में भी होगा। मैं कोई चीज़ आपसे नई नहीं कह रहा, मैं सिर्फ उसको अपनी प्रायोरिटीज़ को मिक्स करके और इंतज़ार में हूँ कि दवा आप दें तो असर हो। इंतज़ार दवा का है, इंतज़ार उस रिसर्च का नहीं है जिसमें दवा बनाई जा रही है, सालों लगते हैं। इंतज़ार तो इस बात का है कि दवा डिस्पर्स कब करेंगे और आदमी खाएगा कब। तो वो आपसे मेरी गुजारिश है। पाकिस्तान के अंदर अगर किसी चीज़ को मैं समझता हूँ बड़ी अहम है, तो वो ये है कि आर प्रायोरिटीज़ आर स्क्यूड। इमेजिन द प्रायोरिटी दीज डेज, द प्रायोरिटी शुड हैव बीन सेविंग द नेशन, मईशत, रोज़गार। हम लड़ाई झगड़े में पड़े, और मैंने जो आपसे कहा ना बदले वाली कैफियत, जी इन्होंने भी यही किया था, उससे ज़्यादा ये होगा। यानी ये बहस ही नहीं है कि क्यों कर रहे हो भाई, बहस तो ये है कि जी हुआ था, पहले भी हुआ, अब भी होगा। यानी अकल कत्ल हुए थे तो पहले भी हुए थे, अब भी हुए थे। ये कौन सा माशरा है, ये कौन सी सोसाइटी है जो रुकने को तैयार नहीं है इस बात पर कि जी अगर पहले हुआ था तो गलत है, अब ना हो। तो जस्ट फूड फॉर योर थॉट। तो टेरर ट्रेल के अंदर जो लिंक्स हैं 12, वो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। एक तो डिससेटिस्फैक्शन विद सोसाइटी, वहाँ पर यू कैन टच इट, दैट्स वाई यू आर हियर। दूसरा है डिससेटिस्फैक्शन विद मईशत, इसको भी कहीं ना कहीं किसी ने टच करना है। दीज आर, ये टेरर जो है ना, और ये जो कैफियत है ये मल्टी फैक्टोरियल है, एक चीज़ नहीं है। लोगों ने एक ज़माने में ये कहा कि जी जो मदरसे हैं वहाँ से शुरू हो रहा है, दैट्स वन ऑफ द लिंक्स, जो एक्सट्रीम मदारिस थे वो। फिर तीसरा ये है कि सोशली आइसोलेटेड लोग जो स्ट्रेस में हो या इनसिक्योरिटी में हो, तीसरा। चौथा, क्रिमिनल्स जो माशरे के अंदर देख रहे हैं वो ये कि मुजरिम आज़ाद, और जो जिसके खिलाफ जुर्म हुआ वो परेशान। तो एनकरेजमेंट क्या हुआ? एनकरेजमेंट ये हुआ कि जिसके हाथ में ताकत, उसका उसकी दुनिया है। अब आप हज़ार, मैं ये अपने बच्चों को भी कहता था और आपको भी बता रहा हूँ कि अगर माँ बाप प्रैक्टिस कुछ और करें, माँ बाप बच्चों को सिखाएं कि तुम हलाल कमाना
और माँ बाप या बाप हलाल नहीं कमा रहा हो तो आप समझते हैं औलाद वो उस तकरीर से मुतासर होगी या वो जो देखेगी घर में उससे मुतासर होगी। तो लिहाजा ये जो माशरे के अंदर हो रहा है। चौथे, एक कवर एक्सट्रीम ग्रुप का आदमी अख्तियार करता है फिर जब इन चीज़ों से गुजर कर, दैट्स द टाइम टू टच हिम अगेन। फिर इंडॉक्ट्रिनेशन जहाँ पर हो रहा है वो लिंक को काटना पड़ेगा। फिर स्किल सेट्स जहाँ मिल रहे हैं दहशतगर्दी के और एक्सट्रीमिज्म के उसको काटना पड़ेगा। फिर जहाँ से हथियार लेता है उसको काटना पड़ेगा। फिर जब वो माशरे से डिसलोकेट होता है तो माशरे में लोगों को पता होता है कि चला गया मगर वो बताते नहीं हैं, है? तो उसका ट्रेस करना। फिर जहाँ ट्रेनिंग हो रही हो और फिर कम्युनिकेशन जहाँ पर हो, कम्युनिकेशन लिंक से आजकल बहुत कुछ पता चलने लगता है कि चैटर है। फिर एक्शन, एक्शन इज़ द लास्ट लिंक एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। क्यों? क्योंकि सोसाइटी जो है दहशतगर्दी के हवाले से इज़ अ सॉफ्ट स्पॉट। बाजार में किसी को आइडेंटिफाई कर कर रोक लेना बहुत बड़ा कमाल होगा अगर कोई कर ले। मस्जिद, वहाँ पर कोई दहशतगर्दी का वाक़ हो तो बहुत मुश्किल है। तो द लास्ट लिंक इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, बट सारे पीछे के लिंक्स इस्तेमाल हो सकते हैं। तो लिहाजा हुजूर वाला फातिन हज़रात, मैं आपसे जहाँ मैंने ये सारी आपके सामने गुफ्तगू रखी, मैं इस उम्मीद का इजहार करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितनी शिद्दत के साथ ज़रूरत इस बात की है कि माहौल पुरअमन किया जाए, उस शिद्दत के एतबार से लोग इस बात को टॉलरेट कर लेते हैं। जब आप बर्दाश्त कर लेते हैं तो ये मज़ीद होगा। मुझे, मेरा एक दोस्त था, आखिर में मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, उसने ये कहा जिस ज़माने में कराची में डाके वाके बहुत पड़ते थे एंड यू नो एथनिसिज्म बहुत था, तो उस ज़माने में उसने कहा कि वो फ़ौजी था रिटायर्ड मेरा दोस्त, उसने कहा तुम लोग भी तमाशा देखते हो, तुम रेजिस्ट तो करो थोड़ा सा। तो क्या हुआ, उसका नाम मेरे दोस्त का कर्नल तौसीफ था, उसने कहा कि जी अगर किसी के हाथ में बंदूक है, गन है, तो सेफेस्ट डिस्टेंस इज यू आर राइट नेक्स्ट टू हिम, यू कैन कैच हिज हैंड, है? अच्छा, फिर 5 फीट तक अनसेफ है। क्यों? उसकी गोली निशाने पर पड़ेगी, वो निशानेबाज है नहीं, है ना, वो उसके हाथ में बस बंदूक है। और 10 फीट के बाद भाग जाओ क्योंकि 10 फीट इज सेफ, अगेन उसका निशाना नहीं लगेगा। तो क्या हुआ कि मैं नर्सरी पर कराची से, जो आप लोग वाकिफ़ हैं, वहाँ पर कोई काम कर रहा था, 10-15 years ago, तो वहाँ मैं दरवाज़ा बंद करने लगा तो दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, तो मैंने देखा तो एक आदमी था जिसके हाथ में गन थी और दरवाज़ा, वो कह मुझे, उसने कहा चाबी दो, मैंने कहा क्यों दूँ, अच्छा कर्नल तौसीफ़ का जो मशवरा था वो ताज़ा हुआ था एंड आई वॉज फुल्ली कन्विंस कि दिस इज़ द वे आउट। तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया जिसमें गन थी, अच्छा हाथ पकड़ लिया और खड़ा हो गया, तो खड़ा जब हुआ तो दरवाज़ा और सीट के बीच में मैं था और वो उधर था और बाज़ार भरा हुआ था और मैं हाथ पकड़े रहा, उसने कहा बंदूक वो चाबी दो, मैं कहा नहीं, तो उसने कहा हम जान से मार देंगे, मैं कहा कैसे मार दोगे, तो आई फॉरगॉट टू रियलाइज़ कर्नल तौसीफ़ फॉरगॉट टू मेंशन कि उसका साथी भी होगा। इधर से साथी गुजरा, उसने ज़ोर से मेरी कमीज़ खींची, मेरा सर छत से टकराया गाड़ी की और माई कार वॉज टेकन अवे। मगर मैं फिर भी आपसे कहता हूँ, इसमें लोग मर भी गए, अभी पिछले दिनों मुझे कोई आदमी जिक्र कर रहा था इस बात का कि अब ब्रदर डिड रेजिस्टेंस, मेरे क्लास फेलो का वाक़ा सुना रहा हूँ, अब ब्रदर डिड रेजिस्टेंस ऑन अ कार हाईजैकिंग और उसको ख्याल ये था कि मेरी बहन के साथ कोई गलत काम भी ना करें ये, तो फिर फायरिंग भी एंड हिज सिस्टर डाइड। तो एवरीथिंग कैन हैपन, बट आई मस्ट टेल यू, ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि आपकी खोपड़ी पे गन है और आप उसको लड़ें, आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि जिन इंस्टीट्यूशंस में आप हैं वहाँ स्ट्रेस के एतबार से, कम्युनिकेशन के एतबार से, व्हाट यू लर्न फ्रॉम हियर, प्लीज़ लेट मी बेग यू कि दिस इज़ द इशू ऑफ द कंट्री, लेट मी बेग यू कि आप अपनी पूरी कोशिश कर लें, यही मेरा मुल्क है, इसी मुल्क के अंदर मेरा होप है, इसी मुल्क की ताकत इतनी है कि मैं आपको कहता हूँ कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल चेंज कैन हैपन एंड विद इन 5 or 10 years वी विल बी आउट ऑफ ऑल दिस एंड बिकम अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग कंट्री। सो विद दैट होप एंड विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थैंक यू।